हाँ भाई, हमने सोचा था कि इधर हम नारायण की साइड आए हैं तो थोड़ी गाइड बना लें। दिस इज अ गाइड फ्रॉम कराची टू नारायण। इसको फॉलो करना जरूरी नहीं है, कर लो तो बेहतर है। सुबह 7 बजे एयरपोर्ट पहुंचो। अकेले जाओगे तो मजा नहीं आएगा, कुछ दोस्त भी साथ उठा लेना। लाहौर पहुंचते ही सामान उठाओ और टोयोटा को फोन करो। हेलो टोयोटा, मैं इरफान बात कर रहा हूँ सीन्स टीवी से। जी वो एक गाड़ी चाहिए। हेलो हेलो हेलो, जहाज का जितना भी सफर था वो हो गया है। अब जितना भी सफर है आगे वो गाड़ी में, और हमारी गाड़ी के गेम्स तो आप देख ही चुके हैं। और हाँ, वहाँ सर्दी बहुत होती है तो गर्म कपड़े उठा लेना, चाहे आप जितने भी बड़े सुपरमैन हो। और इस वक्त तक तुम भूख से मर रहे होगे, तो लाहौर में हो फज्जे के पाए। चाचा वो पुरानी दुकान फज्जे वाली कौन सी है, किधर है? एक उधर है वो सामने वाली है, ये वाली है। मुझे पता है कि बहुत से लोग पाए नहीं खाते, लेकिन लाहौर आए हो, रोड ट्रिप पे जा रहे हो, पाए तो ट्राई कर ही सकते हो ना। देखो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कर लो तो अच्छा है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि कर लो, और पाए ट्राई करने के बाद निकलो कलर कहार की तरफ। इतनी दूर आए हो, स्विमिंग तो करोगे ना? कर लो भाई कर लो, घूमने आए हो ना, जाने दो। बस आज के लिए बहुत है, फिर आप खाना खाएं और निकलें। फिर पहुंचो इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में तुम्हारी सोच से ज़्यादा गर्मी होगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके भाई ने अगस्त के महीने में हुडी क्यों पहनी हुई है, तो गर्मी इज़ टेम्प्रेरी बट स्वैग इज़ परमानेंट। फ्लेवर के पुलाव से नाश्ता करो ताकि खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन एक बात तो मैं बताने ही भूल गया, इस्लामाबाद का वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, तो अपने साथ एक तरपाल रख लेना। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और सफ़र बहुत लंबा है, तो कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ पेट्रोल भरा लेना। भाई हम यहाँ से कागान जाने में कितना टाइम लगेगा? 8 घंटे। अभी टाइम क्या हो रहा है? 5। 8 घंटे मतलब रात के 3 बजे। भाई की मैथ को जज नहीं करना और ड्राइवर बदल लेना, क्योंकि वो थक गया होगा। हमारे साथ नए ड्राइवर आ चुके हैं। गाड़ी मज़े की है, बहुत मज़ा आता चलाते हैं, सीरियसली चलाने नहीं देते। इस्लामाबाद से बालाकोट तक की ड्राइव बहुत लंबी हो गई थी, हमें जाना तो नारायण था, लेकिन हमने सोचा आज यहीं स्टे कर लेते हैं, कल सुबह चले जाएंगे। और हमें बताया गया कि चप्पल कबाब बड़े मशहूर हैं, तो भी हम तीनों चप्पल कबाब ट्राई करने जा रहे हैं। मुझे पता है ये तेल बहुत काला लग रहा है, लेकिन कबाब बॉम्ब थे। पेट के साथ थोड़ा जुल्म तो कर सकते हो ना, मर्जी है, मतलब देख लो, कर सकते हो तो कर लो। I've been standing all night with you.
शिव भाई को सबने सजेस्ट किया है कि आप मून रेस्टोरेंट जाएं, तो हम मून रेस्टोरेंट पे नाश्ता करेंगे। आपकी शक्ल तैयारी हो गई, एक आमरुख चने हो गया, चार नान हो गए, एक जग लस्सी का हो गया, ठीक है सर जी? ठीक है। जब तक खाना आ रहा है सैफुल मलूक की तैयारी कर लो। सैफुल मलूक नाम तो सुना होगा। अगर तुम्हें भूख ज़्यादा लगती है तो सैफुल मलूक पे भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, पकोड़े, समोसे, कचौरी और चिकन भाई, चिकन कौरमा, चिकन बिरयानी, दाल माँ, चना सब्जी, आज गरीब नवाज, एक बार खाओगे बार बार आओगे, और कुछ और भी ऑप्शन हैं। आप ले सकते हो भाई, आपका भाई आपको जज नहीं करेगा, गारंटी। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी हादसे की सूरत में इंतज़ामिया जिम्मेदार नहीं होगी। देखो जानी, कोई बात तो भाई की भी मान लो ना फिर। यहाँ पे एक और चीज़ होती है जो सबके बस की है नहीं। देखो मैं जज नहीं करूँगा, करना है कर लो, तुम्हारी मर्जी है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हो सकता है। और फिर आपका भाई तो अक्षय कुमार है ना, आई मीन नॉट कमिंग स्लो। अगर वीडियो बनाते थक जाओ तो फोन अपने दोस्त को दे देना, सीन्स एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है। क्यों एहसान भाई, PTDC में चेक इन करो, सामान कमरे में फेंको और पहुंचो पंजाब टिक्का हाउस। जायद को बोलो सीन्स ऑन करें और बाकी काम जायद पे छोड़ दो। क्या खाना था यार, ट्राउट फिश और नमकीन दुम्बे के टिक्के, उफ। जरूरी नहीं है, ड्रोन की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं सारे पैसे ड्रोन के, ऑल थैंक्स टू मोरू। नाश्ते का टाइम नहीं होगा तो गाड़ी में ही कुछ खा लेना, क्योंकि आज बहुत काम करना है। कहा था ना खाने का टाइम नहीं होगा। कभी 50 रुपए का भुट्टा खाया? 50 तो सही है, 50 इतना महंगा नहीं। हम लोग नारायण वापस आ चुके हैं और अभी राफ्टिंग करेंगे, और राफ्टिंग में जिन लोगों को स्विमिंग नहीं आती उन लोगों को अपने नाड़े टाइट कर लेने चाहिए। नाड़े टाइट करने से शायर का मतलब है हिम्मत, आपको हिम्मत करनी चाहिए, और अगर आपको मेरी तरह स्विमिंग नहीं आती तो आपको हिम्मत की काफी जरूरत पड़ेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ऐसे सीन्स देख के इंसान एक ही बात बोलता है भाई, व्हाट अ शॉट। और हाँ, सुबह 5 बजे उठ जाना। जानी देखो, मैं पहली दफ़ा आया हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लेकिन मान लो तो बेहतर है, क्योंकि आगे 3.5 घंटे का सफ़र है और नींद ज़रूरी है। आंसू लेक की ट्रैक के लिए ये बेस कैंप है, यहाँ से तकरीबन 2 घंटे का सफ़र। और बेस कैंप से कुछ खा लेना, ज़रूरत पड़ती है, ट्रस्ट मी। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि इससे आगे घोड़े जाते नहीं हैं, ये आखिरी पहाड़ है, इसके आगे आंसू लेक है, और
ऑक्सीजन काफ़ी कम है यहाँ पे, तो ऐसी सांस फूल रहा है। ठंडी है चलने के लिए, और पहले से डिसाइड हो गया कि कोई किसी को पकड़ेगा नहीं, जो गिरेगा वो मरेगा, एहसान भाई ने बोला। ये I've got a feeling that I'm onto something. Wings growing on my back, and the pits that I feel when I think back and I check myself. आंसू लेके आगे आपका भाई है, इंतजार कर रहा हूँ यहीं पे, यहीं खड़ा हूँ, फौरन निकलने वाली करो और पहुंचो। अब रोज रोज तो इंसान यहाँ आता नहीं है, तो हमने सोचा थोड़ी सलाम दुआ कर लें। हेलो जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? विश You are here.